हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आज हमारे पास है 46 पीस तवाइंस क्वालिटी टूल्स और यहां पर आप देख सकते हैं 46 पीस सॉकेट सेट 1/4 कॉन्टैक्ट्स CRV। तो यहां पर डिटेल से लिखे हुए कौन कौन सी इसमें टूल्स हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है 46 पीस के बारे में। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं इसका एक मतलब सब चीज़ का यहाँ पर 46 पीस का एक पिक्चर भी यहाँ पर बनाई हुई है। तो मैं आपको इनको डिटेल से दिखाऊंगा और बताऊंगा। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको मतलब हर आइटम मिल जाएगा। जैसे हम घर में रिक्वायर होती है चाबी पाने वगैरह की, तो आसानी से हम किसी भी चीज़ को इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखाऊंगा। अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुँचवाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे टूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें 46 पीस सॉकेट सेट और यहाँ पर डिटेल से ये लिखी हुई सारी डिटेल इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। 21 बिट सॉकेट्स, तो ये सारी डिटेल हेक्सा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इसको बाहर निकाल कर फिर आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से खुल जाता है और खुलने के बाद आई थिंक ये उल्टा है, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से है शायद, है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखो देखो कितनी सारी हैं। इसमें देखो छोटी से छोटी एलिंग के भी में आपको मिलती हैं, है ना, ये एलिंग की मिल गई। इसके बाद यहाँ पर आप देखें बड़ी एलिंग के भी हैं, आपको बड़ी एलिंग की हैं। फिर ये इस तरीके का स्क्रू पेच आते हैं, इस तरीके के एलिंग के वाले ये भी हैं। फिर अलग तरीके का इस तरीके से भी पेच आते हैं, वो भी आप इससे खोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, थोड़ा फ्लैश ऑन कर लेते हैं ताकि पिक्चर अच्छी आए। तो ये देखें, इसके बाद ये देखें, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़े से बड़ा पेचकस भी आपको मिल जाता है। ये देखें, फोर हेड मिल जाता है और इस तरह का मिल जाता है, मतलब सब साइज के, जैसे बड़ा पेच है तो बड़े पेच में ये तो लगेगा। और ये देखो पेचकस का भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे पेचकस हैं, तो ये हमें यहाँ से निकालना होता है। यहाँ पर इस तरीके से लगा रखेंगे इसको, ये निकालना होता है। और यहाँ से जैसे मान लीजिए फोर हेड का आपका कोई भी स्क्रू है, आपको उसको खोलना है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये लग जाता है, ये देखें ये लग गया है ना। और इसके बाद इसको हटा लेंगे और हटाने के बाद वापस यहाँ रख देंगे और फिर कोई भी इसके अंदर लगा लेंगे, है ना, ये लग गया। अब मान लीजिए ये हमसे पेचकस से काम नहीं हो रहा है इसमें, जैसे मान लीजिए हमें एलिंग की नट खोलना है कोई, तो इसके लिए हम अब दूसरा सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसको टी भी बना सकते हैं। इसको टी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देखें मैं आपको बताता हूँ। इसको इसमें अंदर लगा लेना है, ये लग गया, अब ये टी बन गया। अब एलिंग की नट पर इस पर लगाएं और इस तरीके से घुमाएँ, आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरीके इसमें एक टूल ये भी है, ये रहा, देखो इसमें भी हम किसी को भी लगा सकते हैं। देखो इसमें काफ़ी सारी ये गोटी टाइप हैं, ये वाली देखो, इसमें बड़ा से बड़ा बोल्ट भी खुल जाता है, ये देखें। इसमें यहाँ पर आप लगाएंगे और इस तरीके से ये लग जाएगा, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा। और इसको जब हम घुमाएंगे ना तो एक साइड ही ये घूमता है, दूसरी साइड नहीं घूमता है बोल्ट, ये देखें एक साइड ये घूमेगा, इधर की साइड ये नहीं घूमेगा। तो इससे आसानी से बोल्ट खुल जाता है, एक साइड घूम रहा है दूसरी साइड नहीं घूम रहा है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा हमको फ़ायदा मिल जाता है खोलने के लिए। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये एक ऐसा टूल है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये इसमें लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि आप इसको यहाँ लगा दीजिए, इसमें मान लीजिए इसमें आपने लगा लिया, तो इसके अंदर हम कोई भी गोटी लगा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर और ये कोई भी एक्स वाई जेड इसमें से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं आती है। ये देखें इस तरह की, ये भी एलिंग की नट खोलने के लिए है। तो इस तरीके से हमें इसमें 46 पीस मिल जाते हैं। और 46 पीस का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चाबी या फिर काफ़ी सारा औजार जो हम बोलते हैं, तो उनकी रिक्वायर हमें इसमें नहीं पड़ती है। तो ये 46 पीस का सेट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी मदद आता है
मतलब काम हर किसी भी चीज़ को खोलने में, अगर आप कहीं साइड पर जाते हैं और वहाँ पर आप क्या है कि अगर साइड पर जाते हैं और वहाँ पर आपको मतलब कोई ऐसा खोलना है, कोई ऐसा आइटम खोलना है, तो उसके लिए आप इसको ज़रूर लेकर जाएं। उससे होगा क्या कि अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो आपका जो भी मतलब काम है वो आसानी से हो जाएगा और आपको खोलने करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे पास पर्याप्त टूल्स होते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हमारे पास पर्याप्त टूल्स नहीं होते तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देखें, ये छोटी सी जगह लेता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आसानी से आ जाता है, केयर हो जाता है। नहीं तो बैग में आप जो टूल बैग होता है उसके अंदर रख लीजिए इसको, और कोई भी टेंशन आपको इसमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। और परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीमत की हम बात करें तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग आते हैं, लगभग 2 से 2 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं और भी 1 हज़ार के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग हैं, 3 से 4 हज़ार तक भी हैं। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया 46 पीस टूल के बारे में। इसमें काफ़ी सारी चाबी हैं और एलंकी वगैरह हैं जो हमें घर में अधिकतर रिक्वायर पड़ती है कभी ना कभी। तो हमें इसको अगर घर में रखते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।